कोलंबस सेक्टर भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के निर्देशक जर्नलों ने हॉटलाइन संपर्क के स्थापित तंत्र पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीमाओं के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद और टिकाऊ शांति प्राप्त करने के हित में दोनों DGSMO एक दूसरे के साथ मुद्दों और चिंताओं पर ध्यान देने के लिए सहमत हुए, जिसमें अशांति फैलाने और हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है। दोनों पक्षों के सभी समझौतों, समझ और संघर्ष के सख्त पालन के लिए सहमति व्यक्त की। मध्यरात्रि 24-25 फरवरी 2021 से नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में गोलीबारी। दोनों पक्षों में दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को सुलझाने के लिए हॉटलाइन संपर्क और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। इस समझौते पर स्थानीय नागरिक दिखे खुश। सांबा से लक्ष्मण शर्मा की रिपोर्ट। ये जो मीटिंग है, ये बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और हमें पता चला है अखबारों के माध्यम से कि ये समझौता हुआ है। अगर ये समझौता कामयाब रहता है पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ तो स्थिर गवर्नमेंट है, जहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, अगर पाकिस्तान ये समझौता ठीक रखता है तो हमारा आवाम भी और उनका आवाम भी बिल्कुल बॉर्डर पे खुश रहेंगे और काम काज अपना नॉर्मल वे पे करते रहेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी फसलें भी तैयार हुई हैं, तो फसलों को लेकर आप क्या कहोगे? फसलों को लेकर के हमारे जो बॉर्डर वाले लोग हैं, ये बहुत परेशान थे क्योंकि डेली रात को सुबह शाम जो पाकिस्तान फायरिंग करता रहता था कि फसल अब आए घर के घर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन इस समझौते से तो लग रहा है कि हमारी फसल सारी घर पे आ जाएगी और इससे इस समझौते से हम खुश, बॉर्डर वाले बहुत खुश हैं। उन्हें फैल जाना होंदा हा, दिन भी शामी भी होंदा, रात भी होंदा, कुछ दोपहरी भी हो जाता है। ये जो जंदे गाइयां गुइयां पानी पलैन, वह भी डरते नहीं जाते। हूँ कलेदार नहीं होया, बस बड़ी खुशी है जी। साड़ी फसल पट्ठे लैन भी जाना, फसल भी बढ़ने, खेत पट्ठे दिखने जाना, वो तो असं बहुत खुशी है।